नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके बच्चे का अपने एडमिशन जो है RTE फ्री स्कूल शिक्षा का जो एडमिशन होता है RTE पोर्टल के तहत, यदि उसमें आपने अप्लाई किया था फर्स्ट राउंड में और आपके बच्चे का नाम यदि नहीं आया है तो आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि साथ ही यदि आपके बच्चे का नाम आ गया है, आपने उस स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग को लेकर एक नया अपडेट है, चलिए क्या नया अपडेट है इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो और जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र में या मोबाइल पर भी आप गूगल ओपन कर सकते हैं। और गूगल पर आपको सर्च करना है RTE MP लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना RTEportal.mp.gov.in। जैसे आप ओपन करेंगे देखिए थोड़ा वेट करना है आपको, और ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है, यहाँ से इसे कट कर देना है, क्लोज़ कर देंगे आप इसे। ये क्लोज़ करने के बाद नीचे की तरफ जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपको देखिए आवेदन की प्रक्रिया ये ऑप्शन दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण हेतु निर्देश ये लिखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने ये लॉटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड ये आपकी जो डेट है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये आदेश डला हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि आवेदकों द्वारा द्वितीय चरण हेतु चॉइस स्कूल की जो चॉइस फिलिंग है वो अपडेट करने के लिए 27 से 31 तारीख तक का टाइम दिया गया है। यहाँ पर यदि आप सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप 27 तारीख से 31 तारीख, मतलब आज से लेकर 31 तारीख तक अप्लाई कर पाएंगे सेकेंड राउंड के लिए, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका 2 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, आपके बच्चे का स्कूल किस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है वो आप 2 तारीख को सकते हैं, और 3 तारीख से 6 तारीख तक का आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई है RTE पोर्टल पर, RTE MP के द्वारा, मध्य प्रदेश एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदनों के में स्कूल की चॉइस अपडेट करने के संबंध में कुछ निर्देश भी डले हुए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि आवेदकों को नवीन आवेदन दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा, मतलब आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अभी सेकेंड राउंड में। जिन आवेदकों ने 2022-23 में हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है एवं सत्यापन मूल दस्तावेज द्वारा करवा लिया था उन्होंने, केवल वही आवेदक यहाँ पर चॉइस अपडेट कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी। द्वितीय चरण में आवेदक को केवल स्कूल की चॉइस अपडेट करना है, विकल्प प्रदान किया गया है, आप रजिस्ट्रेशन बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसके तीसरा देखेंगे आप, सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, अथवा ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, वो द्वितीय चरण में शामिल होंगे। चौथा देखेंगे तो चौथा में दिखा रहा है कि द्वितीय चरण में यदि कोई आवेदक स्कूल की चॉइस अपडेट नहीं करता है तो सीट रिक्त होने की स्थिति में इसी आवेदन को द्वितीय चरण हेतु सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब यह है यदि आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको जो पहले राउंड में जो चॉइस फिलिंग थी उसी को सेकेंड में मान लिया जाएगा। यदि आपको आवेदन आपका किया है आपने और आपको कोई सीट अलाट नहीं हुई है, तब यदि आपको पहले से सीट अलाट हो गई होगी तो आपको करना जरूरी है। इसके देखिए COVID-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण यदि बंद अशासकीय स्कूल में हो गया है अथवा किसी अल्पसंख्यक स्कूल में प्रथम चरण में आवंटन हो गया है एवं उनका इन स्कूल में प्रवेश नहीं हो सका है, तो छात्र हित को देखते हुए ऐसे आवेदकों को द्वितीय चरण में अन्य स्कूल की चॉइस अपडेट करने का विकल्प प्रदान किया गया है। यहाँ पर ये सब दिया गया है, ये आप पढ़ सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको फटाफट 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना है बच्चों के स्कूल के लिए। उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।